रूपा जी, आपको क्या लगता है साल के अंत तक, साल 2021 के अंत तक और साल 2022 की शुरुआत में वो ऐसी कौन सी कृषि फसलें होंगी जिनके अंदर अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए, साल 2021 के अंत में अगर आज हम नवंबर में बैठे हैं और अगर अब हम किसी कमोडिटी में अगर निवेश करने की बात करते हैं, तो अभी यहाँ पर जो है एक बिनौला खल एक अच्छा दिखाई दे रहा है, जो आपको आने वाले 2022 के शुरुआत में एक मुनाफा अच्छा देते हुए नजर आ सकते हैं। और उसके साथ अब आने वाला सिनेरियो जो है वो ग्वार का हो सकता है। अगले 2-3 महीने आपको ग्वार अच्छा रिटर्न देता हुआ दिखाई दे सकता है इस साल के एंड तक। तो वहीं अगर 2022 की बात करें तो 2022 में सिनेरियो जो है वो काफी चेंज होते हुए दिखाई देंगे। ग्लोबल डिमांड कैसी रहती है, अभी जिस तरीके से सारी एक्टिविटीज हावी होती हुई दिखाई दे रही है, तो धीरे धीरे पिकअप आएगा और आगे आने वाले टाइम में कॉमोडिटीज में तेजी ही बनती दिखाई देगी। कॉमोडिटीज में कोई बहुत ज्यादा गिरावट के आसार नहीं है, इन्फ्लेशन भी अपना इम्पैक्ट डालता हुआ दिखाई देगा। तो अभी जो ट्रेंड है वो काफी पॉजिटिव है सभी कॉमोडिटीज का। तो मुझे लगता है कि 2022 की शुरुआत एक अच्छी हो सकती है, जिसमें आपको कपास है, ग्वार है, इन चीजों के अंदर आपको तेजी देखने को मिल सकती है। धनिया भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है आगे 2022 में। वहीं अगर हम एग्री कॉमोडिटीज के अलावा नॉन एग्री कॉमोडिटीज की बात करें तो बेस मेटल्स का आउटलुक मुझे काफी अच्छा लगता है। बेस मेटल्स आगे 2022 में काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और एग्री कॉमोडिटीज में आप नजर रखिए ग्वार के ऊपर, इसके साथ साथ मसाले भी आगे 2022 में अच्छा रिटर्न देते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो यानी कि साल 2022 एग्री और नॉन एग्री कॉमोडिटीज दोनों के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है, लेकिन ये भी डिपेंड करेगा कि डिमांड फैक्टर कितना है। हालांकि जो डिमांड है वो हमेशा बड़ी ही है, पॉपुलेशन बढ़ती है, डिमांड भी बढ़ती ही है, और जब भी पैंडेमिक होता है हम देखते हैं कि कमोडिटीज के जो प्राइसेस हैं वो भी चाहे फिजिकल हो चाहे फ्यूचर हो दोनों ही मार्केट में अप होते हुए नज़र आते हैं, यानी कि बढ़ते हुए नज़र ही आते हैं। तो फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं बस इतना ही, लेकिन आपका एंजॉय करें क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यही बना रहेगा मार्केट एमसीबी पर।